कैंडल्स ग्लिच क्रिएट कर रही है, ना कि आरएसआई। आरएसआई जो है वो वॉल्यूम को फॉलो करके रियलिटी बता रहा है मार्केट की। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हिडन बुलिश काम करता है कौन सा नहीं? हिडन लड़के कह रहे थे यहाँ पर उसने ट्रेड एक ली लड़की ने, तो यहाँ पर उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया और उसने ट्रेड यहाँ पर एक्जीक्यूट कर ली। अब लोग कह रहे हैं यहाँ पर तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं, आपने तो बोला था विक कैंडल क्लोज दे तो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो यहाँ पर तो कैंडल क्लोजिंग नहीं थी, विक छोड़ी ऊपर हल्की सी। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शहीद हुसैन। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। ये दूसरे इंडिकेटर्स की तरह नहीं है जो स्कैल्पिंग में हम यूज़ करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस इंडिकेटर को। लेकिन मसला इसमें ये आता है कि लड़के कुछ स्ट्रेटजी सिंगल इसकी सीख लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, कभी वो काम करती हैं कभी नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये रट्टा इस पे नहीं लगाना, मैं सिंपल अभी एक बार इंडिकेटर लगा लूँ यहाँ पर, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए, आप इसको हर सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। कई लोग 50 पे ये यूज़ करते हैं, कई लोग 30-20 पे यूज़ करते हैं, कई लोग 20 और 10 के दरमियान यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका सारा जो काम करने का तरीका है ना वो समझाता हूँ, और कौन सी सिचुएशन में इसको यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन में नहीं यूज़ करना, ठीक है। और एसएमसी के साथ इसको कैसे कंबाइन करना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं आरएसआई में, खासकर हिडन बुलिश और बीरिश डाइवर्जेंस से होती है, उसमें भी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। देखिए, हिडन बुलिश और बीरिश डाइवर्जेंस हर जगह पे आपको नहीं काम देगी, ये चीज़ लिख कर ले लें। हाँ, ये है कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनती मार्केट वहाँ से रिस्पेक्ट ज़रूर करती, वो आधा परसेंट हो सकता है, 1% हो सकता है, 5% भी हो सकता है, लेकिन कब ये ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है कब कम करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं इसकी सेटिंग को एक बार सिंपल जो है ना रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएगी आरएसआई की। अब सिंपल आरएसआई है क्या, काम किस तरह से करता है, ये मैं थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी बता लूँ, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा। देखिए, आरएसआई की ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, इनको बैंड्स बोलते हैं, ये मिडल बैंड है, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ठीक है। इनकी मैं थोड़ी सी कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, यहाँ से बैंड से कलर मैं कर देता हूँ और इनका स्टेज पे डाल दूँगा, लाइन कर देता हूँ, कलर आपको ब्राउन नजर आए, इसको ग्रीन कर देते हैं और इसको भी इसको कलर कर देते हैं, तीनों कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, और थिकनेस बढ़ा देते हैं। इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लें। सेव एज डिफ़ॉल्ट करने से ये होता है, जो सेटिंग आपने रखी बार बार इंडिकेटर क्रॉस करने के बाद भी लगाएंगे तो वही सेटिंग आएगी आपकी। अच्छा, अब इसमें ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये बाउंड्रीज होती हैं। आपने अगर गुलेल कभी चलाई हुई है, ठीक है, ये गुलेल आपने अगर चलाई हो, तो ये इसका जो प्लास्टिक होता है वो स्ट्रेंथ बताता है आपको। अगर आप जब इसको स्ट्रेच करते हैं, इसमें पत्थर डाल के इसको स्ट्रेच करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है आपको फील होना शुरू हो जाता है कि यार इससे ज़्यादा खींचेंगे तो ये प्लास्टिक टूट जाएगा, या ज़्यादा खींचेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, ठीक है, या ज़्यादा खींचेंगे तो खींचा भी नहीं जाएगा, फ़ायदा कोई ख़ास है नहीं एक ख़ास पॉइंट पे, ठीक है ना। अब उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट के बाद आपको फील होता है कि इससे ज़्यादा खींचने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपको क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, कितने इस इलास्टिक में जो फील आपको आ रहा होता है जो खींचने से, वो स्ट्रेंथ आपको इस प्लास्टिक की बता रहा होता है। तो आरएसआई जो है सिंपल यही काम करता है कि ये जो लेवल्स हम यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल्स इनको बोला जाता है, ओवर बाय जोन, ओवर सेल जोन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जब आरएसआई आएगा ना, इसका मतलब है इस लेवल से ज़्यादा इस लेवल में बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, या क्या होगा थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसने रिवर्स करना ही करना है। आप देखें ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो सॉरी ये 30 की, यहाँ इस लाइन के बाद मार्केट आपकी पंप करती करती, ये मार्केट नहीं पंप कर रही, आपका जो ये स्ट्रेंथ है ना, ये जो आरएसआई जो है ना, आरएसआई की जो लाइन है ये ऊपर जाती। कई बार होता है ये लाइन बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है और कैंडल्स आपकी नहीं जाती, ठीक है ना, उस चीज़ पे भी मैं आता हूँ। तो ये चेक करें, इस जोन में आने के बाद थोड़ा बहुत नीचे मजीद जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली ये ऊपर ही चला जाता है, ये आप चेक करें। तो ये इसके लेवल्स हैं, ये देखिए इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे आया लेकिन अल्टीमेटली गया तो ऊपर ही है ना। तो ये चीज़ आपको क्या बताती है मार्केट में स्ट्रेंथ, कि इस लेवल में आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अब इसने
ऊपर जाना ही जाना है। ये मैं मार्केट की नहीं बात कर रहा हूँ कि मार्केट ने अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है। मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर नीचे गिर सकती, मार्केट ने छोटी सी रिट्रेसमेंट ली, आरएसआई ने आपकी बड़ी रिट्रेसमेंट ले ली, ठीक है ना। तो ये अक्सर होता है, तो ये चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा, मैं अभी एक सेकंड आपको बताता हूँ। ये चेक करें, जब आरएसआई तो आपका आया है यहाँ पर, ठीक है, इस जोन में आया है, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, फिर नीचे गिर गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी रिट्रेसमेंट सही है। यहाँ पर चेक करें, आरएसआई आया, रिट्रेसमेंट ली और फिर गिर गया, और रिट्रेसमेंट यहाँ पर कितनी बड़ी बता रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी बता रहा है। ये स्ट्रेंथ बताता है, इसका मतलब ये नहीं कि 30-20 के जोन के अंदर आया है तो मार्केट अब पंप करेगी करेगी, कई बार ज़्यादा करेगी, कई बार कम करेगी, तो आपको उस चीज़ का आइडिया कैसे होगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। उसके लिए मैं एसएमसी काम देती है। अब मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ, यहाँ पर मैं ना इसकी सेटिंग में जाकर, ये जो आपकी मूविंग एवरेज आ रही है ना आरएसआई में, इसको मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अच्छा, तो इन लेवल से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आरएसआई का। अब इसकी सेटिंग में आप आएँ, मैं कुछ बैंड्स यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है। वहाँ पर ये होता है कि आप को जो सिग्नल एक क्रिएट होगा ना, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ सेटिंग में, ठीक है, स्टाइल में जाकर ये बैंड्स जो है ना, इसको कर देता हूँ जी मैं 20 पे, और इसको 50 वाले को कर देता हूँ 30 पे, 30 से भी 25 करते हैं, और इसके 15 करते हैं। हो गया, उसके बाद इसको मैं कर रहा हूँ 85 पे, सेव एज डिफॉल्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर चेक करें, ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं, ये 90% आपका काम करेंगे, 90%, ये आप खुद अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक सेकेंड। एटी फाइव टू 90 मैंने कर दिया उसको, और ये चेक करें, बहुत कम होगा कि ये लेवल्स भी आपके क्रॉस हो, इस जोन में से ही रिवर्स कर गई, इस जोन में से, ये मेरे पास क्या जोन अब आया, इसको बोलेंगे ओवर सेल जोन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ओवर सेल जोन, और इसको क्या बोला जाता है, ओवर बाइंग जोन। अब आप चेक करें, मार्केट जब भी इस जोन में आती उसके बाद रिवर्स कर जाती, जब भी इस जोन के पास आती रिवर्स कर रही है, तो इस ये नहीं करना कि डायरेक्ट इसको टच किया और उधर आप बाय कर लेंगे। देखे ना, यहाँ पर टच किया 30, ये कौन सा लेवल मैंने किया है, 25 और 15 वाला लेवल जो है, इसको टच किया है, तो देखें यहाँ पर मार्केट गई है ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर नीचे गिर गई है। यहाँ पर मैं अगर चेक करूँ, यहाँ पर टच किया, मैं बाय कर लूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस हिट, तो डायरेक्ट इसको फॉलो नहीं करना। ये क्या बता रहा है आपको, ये स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमने स्ट्रेंथ देखनी है कि यहाँ से कितना ज़्यादा खींचा जा सकता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेकर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा आरएसआई तो, लेकिन मार्केट वहीं की वहीं खड़ी हुई है, यहाँ से इतनी उठी, वो किधर की एग्जाम्पल, एक सेकेंड, तो आरएसआई ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रिट्रेसमेंट ले ली, ज़्यादा ली और यहाँ पर छोटी, अब उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डाउन की कम आई है और कैंडल्स में डाउन की ज़्यादा आ गई है, यही मेन चीज़ है। ऐसी सिचुएशन में ही हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनती है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आपकी ऊपर को कम आई, आरएसआई ने ज़्यादा दिखा दी, इधर डाउन का मूव कम आया, कैंडल्स ने ज़्यादा दिखा दिए, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, एक ग्लिच क्रिएट हुआ ना, ये जो फॉलो कर रहा था कैंडल्स को, कैंडल्स ग्लिच क्रिएट कर रही है, ना कि आरएसआई। आरएसआई जो है वो वॉल्यूम को फॉलो करके रियलिटी बता रहा है मार्केट की, समझ आई कि नहीं आई, कि ये जो डाउन का मूव आपका आ रहा है, ये बड़ा मूव, इसमें पोटेंशियल नहीं है, कैंडल्स ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रही क्योंकि ज़्यादा गिरा है, आरएसआई कम दिखा रहा है, तो मतलब क्या वॉल्यूम कम है, डाउन का ये जो मूव आ रहा है इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है ना। और उसके बाद चेक करें, मार्केट आपकी पंप कर गई, लेकिन हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ये कोई बहुत बड़ा पंप नहीं था, ये तो छोटा सा पंप, लेकिन ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ,
तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये अच्छा खासा पंप है 12% का, और वो भी बिटकॉइन में। आर्ट्स में तो यहाँ पर 20-25% के पंप लग चुके होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हिडन बुलिश काम करता है कौन सा नहीं? हिडन बुलिश और बीरिश डाइवर्जेंस मैंने मेरे ख्याल में समझाई हुई है, वो मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताने लगा हूँ हिडन बुलिश और बीरिश डाइवर्जेंस काम कहाँ पर देगी। अच्छा, ये वैल्यूज जो है ना, ये जो मैंने क्रिएट की वैल्यूज, ये मैंने एक्सट्रीम पे वैल्यूज रखी हैं। आप 30-20 का जोन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार होगा कि ये कैंडल जो है 20 से भी नीचे चली जाएगी। लेकिन हमने एक आइडिया लेना, आप ये वैल्यू यूज कर लें, ये क्रॉस नहीं होती, 90% ये आपकी लाइंस क्रॉस नहीं करेगा, ये चेक कर लें, ये लिमिट्स हैं, इससे आगे क्रॉस नहीं करेगा। तो ट्रेड को इसके साथ प्लान कैसे करना है? पहले मैं हिडन बुलिश और बीरिश डाइवर्जेंस पे आ जाऊं। अच्छा, हमारे पास एक ट्रेंड अगर मार्केट में चल रहा है अप का, ये सिंपल सी बात है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है इस पे, अगर ट्रेंड अप का चल रहा है और मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर आ रही है एक हायर लो बनाने के लिए, और वहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनती इस जोन के अंदर, गई इस जोन के अंदर हिडन बुलिश बनेगी, तो वो आपको ज़्यादा काम देगी। अब ट्रेंड अगर डाउन का है, आपकी हिडन बुलिश बन भी रही है, तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी, वो अल्टीमेटली आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। तो यहाँ पर आपका हिडन बीरिश डाइवर्जेंस बने इस रिट्रेसमेंट जोन में, तो वो ज़्यादा काम देगा, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देगी। यहाँ पर हिडन बुलिश बनेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यहाँ पर हिडन बीरिश बनेगा, डाउन का मूव ज़्यादा होगा, हिडन बुलिश बनेगा यहाँ पर तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करके दोबारा अल्टीमेटली नीचे ही आएगा। ये 80% सिचुएशंस की बात करूँ, 100% तो कुछ भी नहीं है ना। कई बार ये भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में हिडन बुलिश बने और आपको 5-10% प्रॉफिट दे जाए, लेकिन वो रेयर सिचुएशंस में होगा। हम कौन सी सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पर मेजोरिटी एक मूव आएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका अब मैं फर्ज करें एक स्ट्रेटजी बता, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, अब वो ऑर्डर ब्लॉक फेल भी तो हो सकता है, तो ये जो चीज़ बता रहा हूँ वो फेल भी हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी टाइम यही होगा कि आपका ये जो सिचुएशन बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हिडन बीरेश बने आपका, आप ट्रेंड में मार्केट है, हिडन बीरेश बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये रिट्रेसमेंट ले सकती इतनी सारी, और वो रेयर होगी। यहाँ पर हिडन बीरेश बनी, थोड़ा सा नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट, थोड़ा सा नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट, तो ये वाला मूव कभी कभी होगा कि आप ट्रेंड में हिडन बीरेश बना और ये 5-10% मार्केट डाउन को रिट्रेस कर गई, लेकिन इससे एक मूव के लिए आप 2, 1, 2, 3 स्टॉप लॉस भी हिट करवाई खड़े होंगे। तो बजाय इसके कि आप इस एक सिचुएशन को प्रडिक्ट करने के बजाय आप हिडन बुलिश वाली प्रडिक्शंस प्रडिक्ट करें, ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड के ऑपोजिट चलेंगे, तो आप अगर सही भी एनालिसिस कर रहे हैं तो आपकी स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, आपके एनालिसिस ज़्यादा फेल होंगे। अगर ट्रेंड आपका है, अगर आप गलत भी एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका तुक्का भी सही लग जाता है। इसलिए ट्रेंड को मैं इतनी ज़्यादा मैं क्या सारे इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों को बताता हूँ। ये अगर मैं एक जोन ले लेता हूँ, ये जोन आपका चल रहा है डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड 4 घंटे पे नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ 1 घंटे पे डाउन ही होगा आपका ट्रेंड, या 15 मिनट पे आ जाए। चलो 15 मिनट पे मैं आता हूँ, पता नहीं यहाँ पर चार्ट लोड होता भी है कि नहीं, लेकिन मैं आता हूँ आपको समझाता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर जो मैं बता रहा हूँ, शायद मैंने ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस की इसीलिए होगा। अच्छा, ये चेक करें, ये आपका क्या बन रहा है जी, डाइवर्जेंस में देखने लगा हूँ। हाँ, ये चेक करें, ये आपकी क्या बन रही, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी। अब ये 15 मिनट पे, मैं यहाँ पर 5 मिनट पे जाऊँगा तो ये जो जोन आ रहा है ना, ये 30-20 के अंदर ही आ जाएगा। अब ये चेक करें, यहाँ पे मार्केट ने आपको क्या प्रॉफिट दिया, 2.56 का। स्कैल्पिंग के लिए तो ये ठीक है, मसला नहीं, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का बड़ा मूव किधर आया, डाउन को। अब यहाँ पर मैं अगर चेक करूँ डाइवर्जेंस, अगर हिडन बीरेश की मुझे यहाँ पर अगर मिल जाए, हाँ ठीक है, ये मूव आपका हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, ये चेक करें। अब चेक करें कितना बड़ा मूव आपको मिला है। अब ये क्यों मिला है, ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं ले रहे हो। ये ट्रेंड, अब ये नहीं समझना कि ये ट्रेंड डाउन का, ये सिंपल एक रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट ये कहाँ पे होगी, 1 घंटे के या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, है
हमेशा मैंने बोला है कि जो सेकंड कंफर्मेशन होती है छोटे टाइम फ्रेम पे लेनी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये ट्रेंड आपका वैसे 15 15 मिनट पे भी देखें, ट्रेंड डाउन को आपका इतना खास शिफ्ट नहीं हुआ, ये आपका हायर लो पॉइंट पड़ा हुआ है ये वाला जोन, ये ब्रेक होगा तो ट्रेंड आपका डाउन को शिफ्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ट्रेंड आपका और साथ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी, तो आपको कितना तगड़ा मूव मिला है, ठीक है। और ये शार्प मूव भी था, यहाँ तक देखें चलो 6% है, लेकिन ओवरऑल तो कोई भी बुक नहीं करता, ठीक है ना। बहुत रेयर होता है कि आप सारा ही एग्जैक्ट प्रॉफिट बुक करें, 8% का आपका प्रॉफिट बना, ठीक है। तो ये क्या क्यों मूव आया, क्योंकि ट्रेंड भी आपका था और हिडन बुलिश भी बनी है, तब मैंने ट्रेड ली और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेंड मेरा, मैं अगर आपको दिखाऊं ट्रेंड मेरा, अगर हाँ ये चेक करें, ट्रेंड मेरा आपका है, ये मेरा एक हिडन बिरेश डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। ट्रेंड मेरा आपका हिडन बिरेश डाइवर्जेंस की बेस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इसने काम किया है और ये एक पुल बैक था, ठीक है। 3.9% इसने प्रॉफिट दिया है, लेकिन एक ट्रेंड को फॉलो करके मैंने हिडन बुलिश ली तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिला, यहाँ पर कम मिला है, लेकिन प्रॉफिट बात प्रॉफिट की नहीं। आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड्स लोगे हिडन बिरेश की बेस पर, आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। आप ये चेक करें, ये भी हिडन बिरेश ही बनी थी ना, ये चेक करें ट्रेंड आपका, और मैं हिडन बिरेश की ट्रेड को लेकर शॉर्ट की ट्रेड ले रहा हूँ, तो देखिए थोड़े से प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने ज़्यादा हिट करवाया है, यहाँ पर चेक करें, ये मेरा ट्रेंड आपको जा रहा है और यहाँ पर हिडन बिरेश मार रही, थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद स्टॉप लॉस हिट, थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर एक मेरी सही चलेगी, वो भी थोड़ा प्रॉफिट दिया है, लेकिन ट्रेंड को देखकर मैंने यहाँ पर एक ही हिडन बुलिश की ट्रेड ली और मेरा टीपी कितना अच्छा लगा है, ठीक है। ये ट्रेंड को फॉलो करने की बात है। अच्छा, यहाँ पर कोई हिडन बुलिश आपका चेक करें, ये चेक करें, ये डाइवर्जेंस आपकी हिडन बुलिश की बनी, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी, ट्रेंड भी आपका और हिडन बुलिश भी बनी, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरा वैलिड पुल बैक का, वैलिड पुल बैक तो खैर नहीं है, लेकिन ये एक बॉटम मेरा एक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं हिडन बुलिश बन रही है, ठीक है, RSI कह रहा है, और वैसे भी मैं यहाँ पर ये जोन कौन सा बन रहा है, 33 का, छोटे टाइम फ्रेम पर आऊँगा ये मज़ीद आपको अच्छा मूव दिखाएगा, लेकिन चार्ट इतना पीछे का लोड नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हर चीज़ हर जगह पे अप्लाई नहीं होती। अब ये हिडन बिरेश है तो यहाँ पर यूज़ करना ही नहीं हमने हिडन बिरेश, ट्रेंड आपका आपका ट्रेड आप डाउन की ले रहे हो हिडन बिरेश को देखकर, तो ये स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पर काम करेगी ही नहीं। तो ये चीज़ होती है कि आपने पहले ट्रेंड को देखना होता है, फिर RSI को यूज़ करना है। सिर्फ ट्रेंड को देखकर आपने, ट्रेंड के बगैर ये नहीं कि हिडन बिरेश बन रहा है और अंधाधुंध आप ट्रेड ले लें, तो वो गलत होगा। अब जैसे कि मैंने ये सिचुएशंस आपको बताई हैं, ठीक है, बहुत होता है कि, लेकिन मेजोरिटी टाइम ये होगा जो मैंने सिचुएशंस बताई, लेकिन कभी कभी हो जाता है ट्रेंड आपका बन रहा है और हिडन बिरेश बने और इसके बाद डायरेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर देकर गिर जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ट्रेंड अप था और इतना बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया हिडन बिरेश ने बताया, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये बहुत कम सिचुएशंस में होगा, मेजोरिटी टाइम्स ये होगा, ये वाली जो मैंने बताई है, ठीक है ना। तो हमने मेजोरिटी टाइम्स को देखना होता है, हम एक उस मूव के लिए अपनी सारी ट्रेड्स 10 ट्रेड ज़ाया नहीं कर सकते जो बहुत एक बार हुआ है, और 10 बार जो मूव्स हुए हैं उनको हम इग्नोर कर दें, ठीक है ना। लोग ये साइकोलॉजी में आता है कि हम एक ऐसी ट्रेड की तलाश में 10 छोटी छोटी ऐसी ट्रेडें मिस कर देते हैं जो 2 2 3 3 4 4% प्रॉफिट दे रही होती हैं, ठीक है। एक ऐसी ट्रेड के लिए जिसने 10% प्रॉफिट देना था, तो आप वो छोटी छोटी ट्रेड्स लेकर 20 25% बना सकते थे, समझ आई कि नहीं आई। तो मेजोरिटी जो सिचुएशंस हो रही मार्केट ने, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी, जो रेयर हो रहा है उसको नहीं रिस्पेक्ट देनी। हाँ, किस्मत से आपके हाथ वो रेयर सिचुएशन लग जाए, फ़ायदा उठा लें, लेकिन यहाँ पर आप फायदा कैसे उठाएंगे, ये तुक्के वाली बात होगी, लेकिन तुक्का ज़्यादा बार नहीं लगेगा। ज़्यादा बार तो सिचुएशन जो चल रही वो होगी, तुक्का एक बार लगता है, तो जो ज़्यादा बार सिचुएशन हो रही है आप उसको मिस करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं होंगे, तुक्के की बेस पे ये काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर एक सेकेंड आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ, ये होता है कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ट्रेड करना। मैं हमेशा ये, हालांकि यहाँ पर भी मैं पेड स्टूडेंट्स को नहीं, यहाँ पर भी मेरी कोशिश होती है वो चीज़ समझाने की, लेकिन मैं अभी एक सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, वो लड़की ने किस तरह की ट्रेड ली है, आप लोग
ये मैं सिचुएशन आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये एक ट्रेड मैंने अभी स्टेटस लगाया था, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो लड़के कह रहे थे यहाँ पर उसने ट्रेड एक ली, लड़की ने, तो यहाँ पर उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया है और उसने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर ली। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं, आपने तो बोला था विक कैंडल क्लोज दे तो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो यहाँ पर तो कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, विक छोड़ी ऊपर हल्की सी। ये यहाँ पर पिक्चर में आपको मे भी ना नज़र आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक विक लगी हुई है। तो मेरे भाई ये चीज़ होती है, आप लकीर के फकीर बने हुए हो, सिचुएशंस को देख कर डील करना होता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बेस पर एंट्री नहीं ली गई थी, ये तो एक कन्फर्मेशन थी, वो भी माइक्रो टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं ये हिडन बुलिश ट्रेंड बता रहा हूँ, ट्रेंड भी आप पे 4 घंटे पे, तो हिडन बुलिश अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा या 4 घंटे पे बनेगा, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, हिडन बीरेश को नहीं देंगे रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आपका है। समझ आई कि नहीं आई? तो ये RSI सिर्फ 30-20, ये जो लेवल मैंने 25 और 15 का लगाया, इसकी बात नहीं कि इस जोन में आए और हम बाय कर लें। हाँ, ट्रेंड आपका है और इस जोन में आएगी तो हम ज़रूर बाय करेंगे। ये देखें, ट्रेंड आपका इस जोन में आई है तो बाय करने की वजह भी थी, ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक और वो सपोर्ट का भी काम कर रहा, और ये 15 और 25 और 15 वाले जोन को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती थी, वजह बन रही थी ट्रेंड अप है, ट्रेंड डाउन हो और इस जोन में आ जाए तो हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेंड डाउन में तो इस जोन में आना ही आना है मार्केट में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब ये ट्रेड जो है ये बड़ी कमाल की उस लड़की ने ली, लेकिन एक जो लकीर का फकीर उसको समझ नहीं आएगी। हालांकि मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक दो दुक्का को नहीं समझ आई, वो कह ये कैसे ट्रेड ले ली। तो बात क्या है, काबिलियत की, कॉन्सेप्ट्स की, रट्टे की बेस पे नहीं होगा। ये सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी, मार्केट में हर बार अलग एक सिचुएशन होती। तो ये RSI का सिर्फ एक सिंगल यूज़ नहीं है, थोड़ा अकल को भी आपने यूज़ करना है, स्ट्रेटजीज की बेस पे नहीं काम बनता। तो ये एक RSI की डिटेल्ड वीडियो थी, वैसे मैं और भी लेंथ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सेशन है तो उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जो मेन टॉपिक्स हैं ना, वो मैंने समझा दिए RSI के बारे में, ट्रेंड के साथ किस तरह से आपने लेना है काम, ठीक है, RSI से। इसी तरह दूसरे इंडिकेटर्स भी होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर MACD इंडिकेटर लगाऊंगा ना, MACD, ठीक है, तो इसमें ये जो मूव्स आ रहे हैं वो RSI हैं, ये सिंपल RSI है, ये वाला जो मूविंग एवरेजेस मूव कर रही हैं, इनमें भी हिडन बुलिश और बीरेश डाइवर्जेंस। मुझे ये समझ आ गई, इसको रट्टा लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कई इंडिकेटर्स को समझ सकता हूँ। आपकी मूविंग एवरेजेस में सिर्फ ये नहीं होता ये ट्रेंड आपका, ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अब आपके ट्रेड लेने, उसमें और बड़ी चीज़ें होती हैं। खैर, तो टॉपिक RSI का था ये, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।